जय हिंद साथियों, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को एक बार फिर से हिंदुस्तान के ताज़ा तरीन खबरों की ओर ले चलता हूं। सबसे पहले जानते हैं बुमराह की वापसी। जी, जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष 10 में वापसी की है, पर विराट कोहली बल्लेबाजी रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुँच गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना और आसपास के इलाकों में गंगा नदी के जलस्तर और विभिन्न घाटों का लिया जायजा और बाढ़ सुरक्षा और बचाव की पूरी तैयारी रखे। राज्य में निजी नलकूप के लिए दोगुना अनुदान। ब्रांड इंडिया को आगे बढ़ाए उद्योग जगत और बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल से। कोरोना मृतकों की संख्या 15 जिलों में 500 बढ़ी। और अध्यक्षता करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य समारोह यहां शेर ए कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में होगा। सदन की पवित्रता पर प्रहार से पीड़ा हुई बैंकैया और किन्नौर में बस कारों पर गिरा पहाड़, 10 की मौत। किशोरों का बोध गया बालिका गृह में यौन शोषण का आरोप। नवादा के वारिशलीगंज थाने क्षेत्र की किशोरी ने बोध गया बालिका गृह में यौन शोषण होने का आरोप लगाया और नवादा सिविल कोर्ट के आदेश पर किशोरी को बोधगया के सक्सेना मोड़ स्थित बालिका गृह में रखा गया था, जहां उसका यौन शोषण हुआ। देश में कोरोना टीकों के मिश्रण पर शोध होगा और शेयर बाजार में मामूली गिरावट। व्यवस्था तत्काल सुनवाई को पीठ में सीधे उल्लेख की परंपरा बंद और समुद्री तापमान में वृद्धि से मछलियों पर संकट। बढ़ती उम्र में लंबाई कम होना खतरे का संकेत और युवक ने महज 12 घंटे में तैरकर पार की तेहो झील। तस्करी का सामना नहीं भावी पीढ़ी। आज का दिन 1831 में नीदरलैंड और बेल्जियम ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और 6ठे वित्त आयोग की 70% राशि ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। विकास कार्यों के लिए पंचायतों को इस वर्ष मिलेंगे 3900 करोड़। एक तिहाई कनीय अभियंता से चल रहा काम, जनगणना न हुई तो जनगणना का बहिष्कार। 276 केंद्रों पर होगी बीएड प्रवेश परीक्षा और पटना रिंग रोड का कार्य जल्द शुरू होगा। घने जंगल और पहाड़ी नालों में बढ़ते सुरक्षा बलों की चुनौतियां और मतदान कर्मियों को मिलेगा दो तरीकों से एक साथ मतदान का पहला अनुभव। दरभंगा एम्स के लिए केंद्र को नहीं सौंपी गई जमीन और पुलिस के ट्रेनिंग में शारीरिक मजबूती व दिमागी तंदुरुस्ती पर जोर। बारिश के पानी से घिरा आई हॉस्पिटल और घर जला, 1.5 लाख का नुकसान। करंट लगने से 5 युवक जख्मी, मुजफ्फरपुर रेफर। अनियंत्रित ट्रक ने 2 युवकों को कुचला, 1 की मौत। सर्पदंश से शिक्षिका सहित 2 की मौत और अज्ञात वृद्ध का शव बरामद। मारपीट कर 40,000 छीने और शराब के साथ 2 कारोबारी धराए। आज का दिन 1919 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म। जिले के 150 वितरक देंगे मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस वितरक के यहाँ जमा करना है कागज। पोर्टल पर अपलोड करेंगे संपत्ति का ब्यौरा और शुगौली प्रखंड को बाढ़ग्रस्त घोषित करे सरकार, रामाश्रय। दिल्ली से गिरफ्तार बदमाश रूपन को लाया गया मोतिहारी और वेरिफिकेशन के बिना नहीं होगी पत्र पर कार्रवाई। सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार में लाए तेजी और रक्सौल पाटलिपुत्र स्पेशल डेमो का परिचालन आज से। आज का दिन 1960 में नासा ने अपना पहला सफल संचार उपग्रह इको ए प्रक्षेपित किया और जर्जर भवन की छत से पानी टपकने से रेकर भवन में रखे कई अभिलेख बर्बाद होकर पूरा बन गए। ठोकर से महिला की मौत और पानी टपकने से खराब हो रहे अभिलेख। रेल एसपी ने निरीक्षण के बाद सुधार के दिए निर्देश और पॉकेट मारों ने वीडियो की मां की चेन उड़ाई। आज का दिन 1953 में यूनान के लेनियन द्वीप में भूकंप से 435 लोगों की जान। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 2776 छात्र और एक साथ 3 सत्र के छात्र पार्ट 1 में पढ़ेंगे साइंस में जूलॉजी तो आर्ट्स में इतिहास भूगोल पहली पसंद। एम जेके में मना स्वच्छता पखवाड़ा।
गोपाल सिंह नेपाली की रचना आज भी प्रत्यक्ष संवाद और 10,000 से अधिक स्थानों पर तिरंगा फहराएगी अभाव भी। आज के दिन 1960 में नासा ने अपना पहला सफल संचार उपग्रह को ई प्रक्षेपित किया और पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी जिले का लाइफ लाइन है फुलवरिया घाट पर पूज अधूरा, 9 साल में भी नहीं बना पुल, बिना अनुमति लिए सभा करने पर FIR, विवाहित अपहरण कांड में 4 पर FIR, पत्रकारों के हत्यारों को की हो गिरफ्तारी और सरकारी कार्य में बाधा डालने पर केस दर्ज। आज का दिन 1971 में सीरिया ने जॉर्डन से राजनयिक संबंध तोड़ा, 7 घंटे गंगा में तैरा, 12 घंटे जंगल में भटका, बची जान। जी, भोजपुर के सोमरा गांव लौटने के बाद खाट पर दिनेश्वर और जुटे परिजन। पूर्व बिहार के 50 अधिक गांव में पानी घुसा और इलाहाबाद से फरक्का तक गंगा लाल निशान से ऊपर। युवावस्था में ही नरेशानंद ने लिया था वैराग। मधुबनी के बेनीपट्टी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। लोन दिलाने का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म। जी, ये जगह है मोतिहारी का, जो कि बरुराज थाना के एक गांव की महिला 35 को मुद्रा लोन दिलाने का झांसा देकर बंधक बना 2 महीने तक दुष्कर्म किया और मौका पाकर वह किसी तरह भागकर घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। बीते मंगलवार को पीड़िता और परिजनों ने आरोपित को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और पीड़िता ने पूर्वी चंपारण के घोरासहन थाना के शेख वना निवासी मोहम्मद फिरोज के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि पूछताछ के बाद बुधवार को आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शहीद खुदीराम बोस युवाओ के प्रेरणास्रोत, विधानसभा उपाध्यक्ष और ऑटो चालक और सहयोगी की होगी ब्रेन मैपिंग। तस्करी का सामान नहीं भावी पीढ़ी, मानव व्यापार से मुक्त नौजवानों के मन को छू लेने वाले गीत अब भी मेरे कानों में गूंजते हैं। बिकने को तैयार नहीं हम, लूटने को तैयार नहीं हम। संसद में तमाम उन कमियों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए जिन्होंने दूसरी लहर के समय देश को रुला दिया। भूल गया भोपाल अपनी पुरानी कलर, फिर सशक्त पुस्तकालय आंदोलन की जरूरत। करियर, मेरे जिंदगी ही मेरा संदेश है, कुछ भी असंभव नहीं होता, MC मैरी। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कदम रखने के लिए आपको अपनी योग्यता के अनुसार कोर्स का चयन करना होगा और इसके बाद सरकारी व गैर सरकारी विभागों में रोजगार की असीम संभावनाएं बन सकती है, बता रहे हैं पंकज घिल्डियाल। हर सेक्टर में मिल सकता है मौका। आज के राशिफल में वृष, मानसिक शांति रहेगी, कला या संगीत में रुचि हो सकती है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक होगा। आज का दिन 1908 में हेनरी फोर्ड की कार कंपनी पहला कार मॉडल बनाया और SIP में खुदरा निवेशकों की जोरदार दस्तक। NPS में न्यूनतम तय लाभ योजना की तैयारी, मुद्रा भंडार ढांचागत योजनाओं को डाले सरकार को मजबूत कर राजस्व की उम्मीद, बजाज और सलाह, सरकारी बॉन्ड में भी होते हैं खास तरह के जोखिम। आज का दिन 1972 में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग चैपल और यान चैपल इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे सीरीज के 5वें टेस्ट में टेस्ट की एक ही पारी में शतक बनाने वाले भाइयों की पहली जोड़ी बनी थी। मेसी का भुगतान दोस्त नेमार से कम ही रहेगा। करियर के शुरू से लेकर अब तक बार्सिलोना की तरफ से खेलने वाले लियोनेल मेसी नए क्लब पेरिस सेंट जर्मेन से जुड़ गए हैं और अब अर्जेंटीना के कप्तान मेसी और बार्सिलोना क्लब के समय से उनके दोस्त नेमार की सुपरहिट जोड़ी मैदान पर एक बार फिर साथ दिखाई देगी। हालांकि यहां उन्हें अजीज दोस्त और स्टार स्ट्राइकर नेमार से कम वेतन मिलेगा। भारत और इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैच सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स पर आज से खेला जाएगा और शार्दुल की चोट से अश्विन के लिए टीम में मौका। इंग्लैंड के लिए कमजोर बल्लेबाजी चिंता का सवाल और भारत इंग्लैंड पर जुर्माना अंक भी कटे। ICC ने नॉटिंगहम में पहले टेस्ट मैच में धीमी ओवर के लिए भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों पर मैच शुल्क 40% जुर्माना लगाने के अलावा उनमें ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के 2-2 अंक भी काट दिए। दोनों टीमों ने समय में 2-2 ओवर
दो दो ओवर कम किए थे, जिसके बाद आईसीसी मैच रेफरी का क्रिस बॉन ने उन पर यह जुर्माना लगाया। समय अनुसार तक समय में एक ओवर कम करने का खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया जाएगा। नडाल बाएं पैर की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर, रैंक बुमराह शीर्ष 10 में, कोहली खिसके। शारपा की जिंदगी में सैर, मजा और मस्ती। नीरज का स्वर्णिम करिश्मा ओलंपिक एथलीट्स के 10 जादुई पलों में। और आज का दिन 1981 में IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर पेश किया, जिसकी कीमत $16,000 रखी गई। कोरोना काल में युवाओं की मानसिक परेशानी दोगुनी, और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी चोरी। काबुल की तेजी से घेराबंदी कर रहा तालिबान, और अभिषेक बनर्जी सहित कई कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। उज्ज्वला के सिलेंडर धूल खा रहे हैं प्रियंका। कई अहम फैसले देने वाले जस्टिस रोहिंगटन आज सेवानिवृत्त होंगे। और आज का दिन 2007 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के यान एंडेवर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों ने स्टेशन पर नई बीम लगाई। अंतरिक्ष में धरती का निगहबान बनेगा EOS-3। बुर्ज खलीफा के शिखर पर चढ़कर विज्ञापन की शूटिंग, और ISS पर स्पेस गेम के बाद पिज्जा पार्टी होगी। तो आज बस इतना ही, फिर लेकर आता हूँ नए न्यूज़। जय हिंद।